हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे ओट्स फॉर अ वन ईयर बेबी। तो यहाँ पे वन ईयर बेबी के ओट्स बनाने के लिए हमको चाहिए मिल्क, थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, ओट्स और शुगर। आप ब्राउन शुगर, जैगरी भी डाल सकती हैं उसकी जगह पे। तो एक पैन लीजिए और उसमें आप एक चाय वाला कप दूध का डालिए। के बाद आपको दूध को थोड़ा गर्म होने देना है और दूध जब गर्म हो जाता है तो आप उसमें 2 स्पून ओट्स डाल दीजिए। और बीच बीच में आप उसको चलाती रहिए क्योंकि ताकि वो नीचे लगे नहीं। और फिर आप इसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर डाल दीजिए टेस्ट के लिए। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डालें या आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, पर मैं जनरली डाल देती हूँ टेस्ट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। और बच्चा 1 साल का हो गया है तो हम उसको थोड़ा शुगर दे सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब 1/4 स्पून ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। मैं पहले जैगरी डाला करती थी पर अभी मेरा जैगरी ख़त्म हो गया है तो मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकती हैं। आई थिंक बेबी 1 ईयर का हो गया है तो आप थोड़ा वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप इसको 4-5 मिनट के लिए पकने दीजिए और आप बीच बीच में इसको थोड़ा स्टेयर करते रहिए ताकि वो नीचे नहीं लगे। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से चेक कर सकती हैं, पर मैं ये कहूँगी कि उसको ज़्यादा गाढ़ा मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बच्चा जस्ट आपके बनाते ही नहीं खाता है और आप उसको थोड़ी देर के लिए रखती हैं तो बाद में उसमें थोड़ा ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा जो मुझे लगता है बच्चे को नहीं पसंद आएगा। तो आप इसको थोड़ा पतला रखिए ताकि अगर बच्चा 5-10 मिनट नहीं भी खाता है तो बाद में भी उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहेगी बच्चे के खाने के लिए। तो ये जो रेसिपी है इसको बनाने में आई थिंक आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेगा और काफ़ी हेल्दी होते हैं ओट्स बच्चे के लिए। तो आई थिंक ये एक अच्छी रेसिपी है, आप इसको बच्चे को आई थिंक ब्रेकफास्ट में भी दे सकती हैं और आप इसको लंच में भी दे सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।